अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुजाना गिलानी। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट्स। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल दे रहा है, विच मींस के इलेक्शंस हो रहे हैं। सेकेंडली, हमारे सीनियर सर मरवत को उन्होंने अनलॉफुली अरेस्ट किया हुआ है विदाउट एनी ऑफेंस। उसके बारे में मैं ये बात करना चाहूंगी कि इनका प्लान ये था कि हम लोग इलेक्शन की डेट अनाउंस करवा के सर मरवत डिटेन कर लें ताकि वो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो और जो है वो पार्टी पीटीआई पार्टी का एक दफा फिर से जो है ना वो दम टूट जाए। तीसरी बात ये कि इन इलेक्शंस ये क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे या ये सिर्फ जो है वो एक ड्रामा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्केड्यूल फर्स्ट। अब स्केड्यूल अनाउंस हो गया, दैट मींस के सेक्शन 144 और इसके बाद ये 3M ये एमपीओ वाले जो ड्रामे ये सारे सस्पेंड हो जाएंगे। इसके ऊपर अब कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता। अब और दूसरी बात, ये जो हमारी सीनियर हमारे सर मरवत को जो उन्होंने डिटेन किया हुआ है उनका ऑर्डर भी सस्पेंड हो जाएगा, पर हमें ये डर है कि कोई और बोगस एफआईआर करके उनको फिर से अंदर ना रखा जाए, क्योंकि एक दफा वन यू गो इन इट्स वेरी हार्ड टू कम। और तीसरी बात जो मैंने की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, अब ये जो हम इनकी बिहाइंड द क्लोज डोर्स डील्स हो रही है कोएलिशन गवर्नमेंट की, क्या उनको लाना चाह रहे हैं? तो डू यू गाइज एक्चुअली थिंक इन इलेक्शंस का जो आउटकम होगा वो फ्री और फेयर होगा, और हम लोग इसको फ्री एंड फेयर कैसे बना सकते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग, इस इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं आने वाला। ये चीज कंफर्म है कि इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी, गवर्नमेंट ना देना इनकी एक जिद बन गई है इनको। ये पीटीएम को भी गवर्नमेंट देने का कोई शौक नहीं है, उनसे भी ये तंग है, बिकॉज दे नो के लोग उनको पसंद नहीं करते। दे से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनसे तो पहले ये पूछा जाए कि आपके पास क्यों होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो पब्लिक के पास होना चाहिए।